उत्तराखंड की भौगोलिक स्थिति और संरचना में अभी तक हमने उत्तराखंड की भारत में स्थिति और उसकी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं को स्टडी किया है। आज इस वीडियो में हम उत्तराखंड के भौगोलिक विभाजन को स्टडी करेंगे। मैं राजू कुमार आपका इन्फोफोर ट्रिपल में स्वागत करता हूँ। आइए दोस्तों चलते हैं उत्तराखंड के भौगोलिक विभाजन की ओर। धरातल्य स्वरूप और समुद्र तल से ऊंचाई के आधार पर उत्तराखंड को 8 भौगोलिक क्षेत्रों में बांटा गया है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये 8 क्षेत्र इस प्रकार हैं। फर्स्ट है आपका गंगा का मैदानी क्षेत्र, दूसरे नंबर पर तराई क्षेत्र, तीसरे नंबर पर बाबर क्षेत्र, शिवालिक क्षेत्र, फिफ्थ नंबर पर दून या द्वार, सिक्स नंबर पर लघु या मध्य हिमालय क्षेत्र, सेवन नंबर पर वृद्ध या उच्च हिमालय क्षेत्र और एट नंबर पर है आपका ट्रांस हिमालय क्षेत्र। ये जो भौगोलिक विभाजन है आपका उत्तराखंड राज्य में दक्षिण से उत्तर की ओर चलते हुए दिखाई देगा। तो आइए एक बार नक्शे पर इस विभाजन को देख लेते हैं कि किस जिले में कौन सा क्षेत्र आता है। राज्य में दक्षिण से उत्तर की ओर चलने पर सबसे पहले हमारे पास आता है गंगा का मैदान। गंगा के मैदान के बाद आता है हमारे पास तराई क्षेत्र। गंगा मैदान और तराई क्षेत्र लगभग मैदानी जिलों में है। उसके बाद बाबर क्षेत्र, बाबर क्षेत्र के बाद शिवालिक क्षेत्र। शिवालिक क्षेत्र से ही हमारी पर्वत श्रेणियाँ स्टार्ट हो जाती है। शिवालिक क्षेत्र के बाद आता है हमारे पास दून घाटी। घाटी बोलते हैं जो कि दो पर्वत श्रेणियों के बीच में आती है। दून घाटी के जस्ट बाद आता है हमारे पास मध्य हिमालय क्षेत्र या लघु हिमालय क्षेत्र। मध्य हिमालय क्षेत्र और लघु हिमालय क्षेत्र के बाद आता है हमारे पास उच्च हिमालय क्षेत्र और उसके बाद आता है हमारे पास ट्रांस हिमालय क्षेत्र। तो इस प्रकार से ये हमारा भौगोलिक विभाजन है उत्तराखंड के मैप पर, जिसको अब आगे हम क्रमबद्ध तरीके से पढ़ेंगे। तो आज इस वीडियो में हम उत्तराखंड के केवल 4 भागों को पढ़ेंगे, जो कि इस प्रकार है, गंगा का मैदानी क्षेत्र, तराई क्षेत्र, बाबर क्षेत्र, शिवालिक क्षेत्र और थोड़ा सा हम दून घाटी के बारे में भी इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आइए चलते हैं। इन क्षेत्रों में हमें जो जो टॉपिक कवर करने हैं वो टॉपिक इस तरीके से हैं: जलवायु, तापमान, वर्षा, मिट्टी, नगर, फसलें, खनिज और पर्यटन क्षेत्र। एक बार फिर देख लेते हैं कि गूगल मैप के अकॉर्डिंग ये क्षेत्र कहाँ कहाँ पर स्थित हैं। जैसा कि आपको गूगल मैप एक इमेज दिखाई दे रही है, ओके, इस इमेज में आप देख सकते हैं कि जो ये नीचे वाला क्षेत्र है वो है हमारा गंगा का मैदान, ओके। उसके बाद हम चले बाबर क्षेत्र में। गंगा का मैदान और तराई क्षेत्र लगभग हमारा इसी एरिया में पड़ता है। बाबर क्षेत्र, बाबर क्षेत्र के जस्ट बाद ये जो सीरीज स्टार्ट हुई है, ये लाइन ग्रीन लाइन आपको दिख रही है, ग्रीन लाइन है हमारे पास शिवालिक क्षेत्र, ओके। शिवालिक क्षेत्र के ऊपर है ये लघु हिमालय क्षेत्र, ओके। लघु हिमालय और शिवालिक के बीच में आती है हमारे पास दून घाटी, जो ये समतल स्थान होता है हमारा दो घाटियों के बीच में। इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं घाटी। आइए, इन घाटी को पश्चिम में तो हम दून बोलते हैं और पूर्व में हम क्या बोलते हैं? द्वार बोलते हैं, ओके। लेकिन इसका एग्जांपल देख लेते हैं, जैसा कि देहरादून और हरिद्वार। राज्य में दक्षिण से उत्तर की ओर चलने पर सबसे पहले जो हमारे मैदानी जिले आते हैं वो आते हैं हमारे पास उधम सिंह नगर और हरिद्वार। हरिद्वार और उधम सिंह नगर के जो मैदानी भाग होते हैं, इन मैदानी भागों में ही हमारे गंगा का मैदानी और तराई क्षेत्र पाए जाते हैं। ये दोनों क्षेत्र गंगा द्वारा लाई गई महीन कणों वाली मिट्टी, अवसाद और बालू से मिलकर बनाए गए हैं। राज्य में दक्षिण से उत्तर की ओर चलने पर सबसे पहले दो मैदानी जिले आते हैं, वो आते हैं हमारे पास उधम सिंह नगर और हरिद्वार। हरिद्वार, उधम सिंह नगर के जो दक्षिणी भाग हैं, उन भागों को अधिकतम क्या बोलते हैं? गंगा का मैदानी भाग बोलते हैं या तराई क्षेत्र बोलते हैं। इन भागों का जो निर्माण है गंगा द्वारा लाए गए अवसादों लाइक मिट्टी, बालू या कोप मिट्टी से हुआ है, ओके। और ये मिट्टी कृषि करने के उपयुक्त होती है। आइए थोड़ा सा गंगा नदी के बारे में देख लेते हैं। गंगा नदी हमारी गंगोत्री या गौमुख से निकलती है, जो कि उत्तरकाशी में स्थित है। गंगा नदी गौमुख से जब ये निकलती है तो भागीरथी के नाम से निकलती है। और भागीरथी नदी की जो लंबाई है वो राज्य में लगभग कितनी है? राज्य में उसकी लंबाई 205 किलोमीटर है। और ये भागीरथी नदी देवप्रयाग में आकर अलकनंदा से मिलती है, जिसके बाद इसका नाम गंगा हो जाता है। और देवप्रयाग से लेकर राज्य सीमा तक गंगा नदी की लंबाई है 95 किलोमीटर। और गंगा नदी को 4 नवंबर सन 2008 को राष्ट्रीय नदी घोषित कर दिया गया था। आइए मैदानी भागों की तरफ वापस चलते हैं। मैदानी भागों में हरिद्वार और उधम सिंह जिले में जो नगर आते हैं वो अधिकतर आते हैं हमारे पास रुड़की, लक्सर, कल्यर, इकबालपुर। ये सब हमारे हरिद्वार जिले के लगभग मैदानी क्षेत्र हैं। और अगर हम तराई क्षेत्र की बात करते हैं तो तराई क्षेत्र आते हैं हमारे पास ज्वालापुर, सितारगंज, बाजपुर, काशीपुर, खटीमा, रुद्रपुर, तराई क्षेत्र। ये जो तराई क्षेत्र हैं ये लगभग हमारे हरिद्वार, उधम सिंह नगर दोनों के हैं।
तराई क्षेत्र में नमी ज्यादा होने के कारण वहाँ पताल तोड़ कुएं पाए जाते हैं और तराई क्षेत्र में ही हमारे अधिकतर जो जनसंख्या होती है या पंजाब हरियाणा या अदर स्टेट के जनसंख्या भी निवास करती है। जैसे कि आपको हरिद्वार और काशीपुर रुड़की ये कहाँ पर है हमारा, ये सब हमारा तराई क्षेत्र के ही सिटी है। आइए अब चलते हैं गंगा के मैदान के उत्तराई क्षेत्र के जलवायु की ओर। गंगा के मैदान उत्तराई क्षेत्र के जो जलवायु है वो लगभग हमारे पास उपोष्ण जलवायु के कहा जाता है उसे, और ग्रीष्म काल में या गर्मियों के टाइम पर जो यहाँ पर मैक्सिमम टेम्परेचर होता है वो टेम्परेचर लगभग 40 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है, कभी कभी ये 40 को भी क्रॉस कर जाता है, तथा जो सर्दियों के टाइम पर जो मिनिमम टेम्परेचर होता है वो टेम्परेचर होता है हमारा 5 डिग्री सेल्सियस के आसपास। इसका जो सबसे ठंडा महीना जनवरी होता है और इसी महीने में यहाँ पर पाला भी पड़ता है, मैदानी भागों में पाला भी पड़ता है। अगर हम वर्षा ऋतु की बात करें तो इस क्षेत्र में सबसे अधिक वर्षा होती है और राज्य में दक्षिण से उत्तर की ओर चलने पर वर्षा में कमी आती है। इसका मतलब ये हुआ कि जो सबसे ज़्यादा वर्षा होती है वो वर्षा कहाँ होती है, मैदानी क्षेत्रों में होती है। आगे चलते हैं, गंगा के मैदान का गूगल मैप में एक व्यू दिखाया गया है, इसको आप देख लीजिएगा कि जो मैदान है वो लगभग समतल है और यहाँ पर खेती की जाती है। अब यहाँ के हम जनसंख्या घनत्व की बात करते हैं क्योंकि एक मैदानी क्षेत्र है और ये क्षेत्र हमारा किससे, रेल यातायात और सड़क यातायात से कनेक्टेड है, इसलिए यहाँ पर जनसंख्या घनत्व ज़्यादा पाया जाता है। और जनगणना 2011 के अनुसार सबसे ज़्यादा जो जनसंख्या का प्रतिशत था वो कहाँ पर था, वो हमारा हरिद्वार में था, लगभग 18.74%। उसके बाद दूसरे नंबर पर देहरादून 16.82%, और देन उसके बाद था हमारा उधम सिंह नगर 16.35%। तो लगभग 40-50% जनसंख्या वो कहाँ रहती है हमारी, वो उधम सिंह नगर और हमारी हरिद्वार जिले में रहती है। तो गंगा का मैदान जो क्षेत्र है ये जलवायु यहाँ की जनसंख्या निवास के लिए उपयुक्त है, तो इसलिए यहाँ पर जो जनसंख्या घनत्व है वो अधिक है। आइए इस गंगा के मैदान में जो फसलें होती हैं उनकी बात कर लेते हैं। सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि जो यहाँ पे मिट्टी है वो कॉप मिट्टी, कीचड़ और बालू है, जो कि गंगा द्वारा बहा कर लाई जाती है पहाड़ों से और यहाँ पर जमा कर दी जाती है। तो ये मिट्टी बहुत उपजाऊ मिट्टी होती है, इसलिए यहाँ गेहूँ, धान और गन्ना इसकी खेती की जाती है। गन्ना राज्य की एक नकदी फसल है, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट टर्म है, इसको आप याद कर लीजिएगा। और सबसे अधिक उत्पादन गन्ना का होता है वो उधम सिंह नगर में होता है। आगे चलते हैं, बाबर क्षेत्र की बात करते हैं। अब जब हम गंगा के मैदान से राज्य में उत्तर की ओर चलना स्टार्ट करते हैं तो जहाँ पर गंगा मैदान ख़त्म होगा और वहाँ से हमारा क्या स्टार्ट होगा, हमारा बाबर क्षेत्र स्टार्ट हो जाएगा। ये बाबर क्षेत्र क्या होता है, पहाड़ से नदियाँ आती हैं, उनके द्वारा जो लाए गए पत्थर होते हैं उनसे बनाया हुआ मैदान है। यहाँ पर आप कभी कभी देखेंगे कि यहाँ पर हमारा क्या होता है, यहाँ पर हमारी कुछ जगह पर आपको पानी की धारा निकलती दिखाई देगी, वो कुछ दूरी बाद वो विलुप्त हो जाएगी। तो इस टाइप का यहाँ का थोड़ा सा स्टेटस होता है कि यहाँ पर पानी की धारें चलती हैं और रुक जाती हैं, यहाँ पर आपको सूखे नाले और सूखी नदियाँ भी मिलेगी। इस क्षेत्र का निर्माण है वो कहाँ हुआ था, इस क्षेत्र का निर्माण लगभग प्लेस्टोसीन युग में हुआ है, और भूमि यहाँ की उबड़ खाबड़ है वो मैंने आपको बताया है कि नदियों द्वारा जो पत्थर लाए जाते हैं उनके कारण इस मैदान का निर्माण हुआ है, तो इसलिए यहाँ की भूमि उबड़ खाबड़ है। अगर जलवायु की बात करते हैं, क्योंकि मैदानी भाग से लगा हुआ भाग है तो इसलिए यहाँ पर जो जलवायु है वो भी उपोष्ण मिलती है, और टेम्परेचर और जो वर्षा की स्थिति है वो भी लगभग मैदानी क्षेत्रों के लगभग बराबर ही है। तो मैदानी क्षेत्र में और बाबर क्षेत्र की जलवायु में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, यहाँ का तापमान और वर्षा मैदानी क्षेत्र के बराबर रहती है। आइए अब चलते हैं शिवालिक क्षेत्र। शिवालिक क्षेत्र राज्य का बहुत ही सुंदर क्षेत्र है और यहाँ पर जो जलवायु है वो रहने के लिए बहुत ही उपयुक्त है। तो सबसे पहले हम शिवालिक का अर्थ जानते हैं, शिवालिक का अर्थ होता है शिव की बोहे, ओके। इसको दूसरा नाम भी दिया जाता है, इसको किन्हीं अन्य नामों से भी जाना जाता है, जैसे कि हिमालय का पाद, भाई हिमालय, हिमालय का पाद का मतलब है कि हिमालय का पैर, यहाँ से हमारा हिमालय स्टार्ट होता है और ये सबसे छोटी श्रेणी है हमारी किसकी, हिमालय श्रृंखला की। तो या इसको भाई हिमालय भी इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ से ये यहीं से हम हिमालय के क्षेत्र में प्रवेश कर सकते हैं। और जो ये श्रेणियाँ हैं इनका जो निर्माण हुआ है वो मायोसीन या निम प्लाइसोस्टीसीन युग में हुआ है, लगभग तीन करोड़ वर्ष पूर्व इस युग में इन श्रेणियों का निर्माण हुआ है, इसलिए ये जो श्रेणियाँ हैं ये सबसे नवीनतम श्रेणी है और यहाँ पर जीवाश्म पाए जाते हैं। तो ये पॉइंट है कि ये किस युग में हुआ, और एक पॉइंट है यहाँ पर जीवाश्म पाए जाते हैं, ये दोनों पॉइंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, तो इसका थोड़ा ध्यान दीजिएगा। आइए आगे चलते हैं, अब हम इसकी पर्वत श्रृंखलाओं की बात करते हैं। जो यहाँ की पर्वत श्रृंखलाओं की ऊंचाई है वो समुद्र तल से लगभग 700 से 1200 मीटर की ऊंचाई है, और यह 10 से 20 किलोमीटर की चौड़ाई में फैले हुए हैं।
ओके, जैसे कि मैंने आपको गूगल मैप में दिखाया था कि शिवालिक श्रेणियाँ दिखाई थी, तो वो शिवालिक श्रेणियाँ कहाँ से कहाँ तक कितने किलोमीटर में फैली हुई, 10 से 20 किलोमीटर तक फैली हुई है, और पूर्व में ये श्रेणियाँ लगभग 50 किलोमीटर तक भी फैली हुई है। और इस श्रेणी का जो राज्य में विस्तार है किन किन जिलों में, आइए एक बार देख लेते हैं। इस श्रेणी का जो राज्य में विस्तार है वो हरिद्वार, देहरादून, टिहरी गढ़वाल, पौड़ी, अल्मोड़ा, नैनीताल, चंपावत, ये लगभग 7 जिलों से होती हैं, जो कि आपको इस मैप में दिख रहा होगा। मैप में एक लाइन है जो ये कि आपको दिख रही होगी, हरिद्वार, टिहरी गढ़वाल, पौड़ी, अल्मोड़ा, नैनीताल, चंपावत, ओके, ये लगभग 7 जिलों से में फैली हुई श्रेणी है। और ये पॉइंट भी इम्पोर्टेंट है कि कितने जिलों में फैली हुई है। आइए आगे चलते हैं। अब यहाँ की जलवायु की बात करते हैं, यहाँ पर गर्म शीतोष्ण जलवायु मिलती है। गर्म शीतोष्ण मतलब कि यहाँ का जो जलवायु ना तो ज़्यादा गर्म है और ना ही ज़्यादा ठंडी है। लगभग जो यहाँ का टेम्परेचर होता है वो 38 डिग्री के आसपास होता है मैक्सिमम, और मिनिमम 5 डिग्री के आसपास होता है। ये जो जलवायु है जनसंख्या के रहने के लिए बिल्कुल उपयुक्त है। तो इसलिए जो इस क्षेत्र के जस्ट बाद जो हमारे पास दून घाटी पड़ती है वहाँ पर जनसंख्या घनत्व भी अधिक है। अगर वर्षा की बात करें तो इस क्षेत्र में भी सबसे अधिक वर्षा होती है, और जो अधिक वर्षा रिकॉर्ड की गई है वो यहाँ के जो एक नगर है नरेंद्र नगर में रिकॉर्ड की गई है, लगभग 318 सेंटीमीटर। आइए आगे चलते हैं। शिवालिक क्षेत्र में जो नदियाँ हैं, मुख्य नदियाँ शिवालिक क्षेत्र में आपका हरिद्वार जिले में गंगा, देहरादून जिले में यमुना, पौड़ी जिले में पश्चिमी रामगंगा, और नैनीताल जिले में नंदौर और कोसी नदी। इन नदियों के बारे में हम डिटेल में एक अलग वीडियो में पढ़ेंगे, अभी केवल आप ये पॉइंट नोट कर लीजिए कि शिवालिक क्षेत्र में कौन कौन सी नदियाँ आती हैं। आइए अब हम शिवालिक क्षेत्र के पर्यटन क्षेत्र की बात करते हैं। तो शिवालिक क्षेत्र में भारत के दो नेशनल पार्क आते हैं। पहला आता है हमारा जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जो कि 1936 में बनाया गया था, पौड़ी और नैनीताल जिलों में फैला हुआ है। अगर हम इसके प्रवेश द्वार की बात करें, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, पॉइंट ध्यान से सुनिएगा कि जो इसका प्रवेश द्वार है वो है आपका ढिकाला, जो कि नैनीताल जिले में स्थित है। और जो जिम कॉर्बेट है वो हमारा बाघों के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है। भारत में बाघों के संरक्षण के लिए हमारा जिम कॉर्बेट प्रसिद्ध है। आगे चलते हैं राजाजी नेशनल पार्क। राजाजी नेशनल पार्क हमारा दूसरा नेशनल पार्क है हमारा उत्तराखंड का, जिसको 1983 में बनाया गया था, और ये 3 जिलों हरिद्वार, पौड़ी और देहरादून जिले में फैला हुआ है। जो ये राजाजी नेशनल पार्क है ये हाथी, शेर, चीतल और नील गाय के लिए फेमस है। आइए आगे चलते हैं। अगर हम यहाँ के पर्यटन क्षेत्रों की बात करें तो सबसे अधिक जो यहाँ पर्यटन क्षेत्र है वो राज्य के हरिद्वार, देहरादून और पौड़ी गढ़वाल जिले में फेमस है। और जो इसके प्रमुख नगर हैं वो आपका हरिद्वार नगर है, देहरादून नगर है, ऋषिकेश है, नैनीताल, चंपावत है। अगर हम इन अब नगरों में इम्पोर्टेंट पर्यटन क्षेत्रों की बात करें तो हमारा देहरादून में आता है हमारा टपकेश्वर, लच्छीवाला, सहस्त्रधारा, गुच्चू पानी। अगर ऋषिकेश की बात करें, ऋषिकेश में राम झूला, लक्ष्मण झूला, और ऋषिकेश एक ऐसा नगर है जो चंद्रभागा और गंगा नदी के संगम पर बसा हुआ है। अगर अब नैनीताल हमारा जैसे झीलों का शहर ही बोलते हैं, तो यहाँ पर अधिकतर झीलें और ताल हमें कहाँ पाए जाते हैं, नैनीताल में पाए जाते हैं। अगला है हमारे पास चंपावत। चंपावत भी हमारा पर्यटन क्षेत्र में आता है। आइए अब शिवालिक क्षेत्र के वनस्पति और खनिज की बात करते हैं, कि शिवालिक क्षेत्र की जो पहाड़ियाँ हैं वो नदी घाटी द्वारा खंडित हैं, जगह जगह पर खंडित हैं, जिस कारण से वो तो दो भागों में ऑटोमेटिकली डिवाइड हो जाती है, एक निचले क्षेत्र और इसका ऊंचाई का क्षेत्र। जो निचले क्षेत्र में हमें शीशम, सेमल, आंवला, बांस, साल और सोगान, ये वृक्ष पाए जाते हैं, और ऊंचे क्षेत्र में देवदार, बेंत, बुरांस, चीड़, शीशम, साल और बांस का मिलता है। बांस, साल और शीशम, ये हमारा ऊंचाई और निचले दोनों क्षेत्रों में पाया जाता है। इस कारण से यहाँ पर हमारा लकड़ी संबंधी उद्योगों का विकास हुआ है, क्योंकि यहाँ पर ये अच्छी किस्म की वन और वृक्ष पाए जाते हैं, इसलिए इन क्षेत्रों में लकड़ी उद्योग का विकास हुआ है। अगर हम खनिज की बात करें तो खनिज हमें कौन कौन से मिलते हैं शिवालिक क्षेत्र में, चूना, संगमरमर, जिप्सम और फास्फेटिक। देहरादून के मंदासू, बालाकोट और ऋषिकेश के पास डोलोमाइट चट्टानों में क्या मिलता है, चूना मिलता है। तो देहरादून का मंदासू, बालाकोट और ऋषिकेश किसके लिए फेमस हो गया, हमारा चूने की चट्टानों के लिए फेमस हो गया। आइए अब चलते हैं डिस्कशन सेक्शन पर। एक पॉइंट है डिस्कशन के लिए, राज्य का सबसे बड़ा जिला कौन सा है, चमोली या उत्तरकाशी। अगर हम बुक्स में देखते हैं या गूगल पर सर्च करते हैं तो गूगल पर जो डेटा मिलता है उस डेटा के अकॉर्डिंग हमारा सबसे बड़ा जिला क्या होता है, चमोली है। लेकिन राज्य में जो एग्ज़ाम्स होते हैं, एग्ज़ाम्स जो UKPSC और UK SSSC एग्ज़ाम कराता है, उनके अकॉर्डिंग राज्य में इसका सबसे बड़ा जिला है उत्तरकाशी।
तो इस पॉइंट को आप थोड़ा सा नोट कर लीजिए कि अगर आप उत्तराखंड का कोई एग्जाम दे रहे हैं उसमें एक क्वेश्चन आता है कि उत्तराखंड का सबसे बड़ा जिला कौन सा है, तो उसमें आप उत्तरकाशी को सही मार्क कीजिएगा, क्योंकि जो यहाँ का आयोग है या जो यहाँ के UK SSSC और UK PSC है वो उत्तरकाशी को सबसे बड़ा जिला मानते हैं। दोस्तों आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए। और अगर आप हमारी और वीडियो को देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल इन्फो फॉर ट्रिपल ई को।